दोस्तों लोग कहते हैं मदद पर दुनिया थमी हुई है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंसानियत के नाते तो हमें ऐसा करना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, हाल ही के दिनों में क्या हो रहा है, YouTube की अगर बात की जाए तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे चैनल है जो क्या हो रहे हैं, जो डिलीट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको जो है वो हैकर्स हैक कर रहे हैं। हमने देखा था रॉकेट का चैनल किस तरह से हैक हो गया था, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे चैनल है जो चैनल डिलीट हो चुके हैं। हाँ, ये है कि उन्होंने अपना फेस वैल्यू बना लिया था और फेस वैल्यू बनाने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो नया चैनल भी अगर खोलते हैं तो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे क्रिएटर्स होते हैं भाई जिनको हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, जिनका फेस वैल्यू नहीं बना होता है और अगर वो नया चैनल भी क्रिएट करते हैं ना तो लोग उनके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। तो ऐसे ही एक छोटे से भाई है ब्रिदो ऑफिशियल करके, जिनका यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट कर दिया था YouTube ने, और उसके बाद उन्हें एक मेल चिपका दिया था जिसमें कहा कि आपने हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया वगैरह वगैरह, मतलब हमारे नियम कानून को आपने नहीं माना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो चैनल है उसको डिलीट किया जाता है। दोस्तों आज इसी बारे में मैं बताने वाला हूं आपको कैसे हम उस भाई की मदद कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ साथ भाई ने क्या मैसेज दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, इंसानियत नाम की भी कुछ चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई अगर कहीं पर कुत्ता मर जाता है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन एक बंदा जिसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है हम उसकी मदद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। देखो, मदद करना बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो भगवान मतलब ऊपर वाला वो आपको देखता है, आपकी हेल्प करता है, और ये हमें करना चाहिए। तो भाई ब्रिदो ऑफिशियल करके एक चैनल था जिसमें 15K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, छोटा लड़का है, थोड़े बहुत पैसे उससे अर्न हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ, YouTube ने आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ा है करके कहा और उनका जो चैनल है उसको डिलीट कर दिया। अब उन्होंने किस तरह के वीडियो दिए थे, क्या गाइडलाइंस तोड़े थे, ये तो YouTube जाने, लेकिन वो जो छोटे भाई है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। उन्होंने मुझसे मदद मांगी, मैंने उन्हें समझाया कि देखो आप एक काम कर सकते हो, आप ट्वीट कर सकते हो, लेकिन उनके ट्वीट का YouTube ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। देखिए 15K 20K सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को YouTube बिल्कुल भी केयर नहीं करता है उनके बारे में, क्योंकि तेरे जैसे लाखों आएंगे जाएंगे, ठीक है ना, तो ये वाला सिस्टम रहता है एक, तो उनका कोई मदद नहीं हुआ। अब उन्होंने एक नया चैनल खोला है जिसमें जो है वो हमारी मदद उनको चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ दोस्तों, देखिए आप जाइए उनके चैनल को, आपको अगर उनके वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, वो जो कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं वो अच्छा लगता है, तो भाई उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और वो अपना जिस कंडीशन में उन्होंने चैनल छोड़ा था, उनका चैनल डिलीट हुआ था, वो फिर उसी कंडीशन में लेकर के जा पाए अपने चैनल को। तो भाई इंसानियत के नाते ही सही, आप ये सोचो कि आपका बड़ो भाई कहीं पर तकलीफ में है और उस भाई की आपको मदद की ज़रूरत है, और आज अगर आप मदद करते हो तो कल को शायद आपकी मदद वो करे या कोई और करे। ये कभी भी मत सोचना कि भाई मेरे को किसकी मदद की क्या ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी पड़ सकती है दोस्तों। तो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई ने मुझसे कहा, देखिए मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनके साथ, वो काफी दूर रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो भाई हमारे जो सब्सक्राइबर बेस है, हमारा जो फैमिली है, उसमें से कुछ लोग अगर उधर जाकर के उनके वीडियोस को भी, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे तो नुकसान किसी का नहीं होगा लेकिन उस भाई का फायदा हो जाएगा। तो भाई ने क्या कहा सुन लेते हैं। चैनल से अर्निंग भी हो रहा था लेकिन क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एम्पायर यूट्यूब चैनल का ओनर दिलीप सर से भी मैंने मदद मांगा था और उसने इंस्टाग्राम पर मुझसे साथ भी किया था और उसने मुझे बताया है कि ट्विटर को ट्वीट कीजिए, ट्विटर पर यूट्यूब टीम को ट्वीट कीजिए, और इसलिए मैंने ट्वीट भी किया था लेकिन यूट्यूब चैनल कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है। बोडो हेल्पलाइन नाम से क्रिएट किया है मैंने, सो मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है बोडो हेल्पलाइन, सो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और एंड सपोर्ट मी। तो दोस्तों सुना आपने, तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, और अगर आप
चाहते हैं उनकी हेल्प करना तो उनके चैनल पर जाए, उनके वीडियो को देखे। अगर आपको अच्छा लगता है उनका वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि उनकी भी मदद हो सके। दोस्तों यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक करके कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। और साथ साथ देखिए, इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।